हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अभी अभी न्यूज़ आ गई है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया से जो फ़्लाइट का बैन था उसको हटा दिया है और 1 दिसंबर से फ़्लाइट रेगुलरली चालू हो जाएगी। तो मैंने अभी अभी इस न्यूज़ को देखा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सऊदी गजट में ये न्यूज़ आया है जिसमें लिखा गया है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया और इजिप्ट हैं, तो इन लोगों इन इन कंट्री से जो है वो 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो होता था थर्ड कंट्री में जो रह के आते, विदाउट क्वारंटीन 14 डेज क्वारंटीन इन अ थर्ड कंट्री, ये थर्ड तीसरे कंट्री में जो 14 दिन रह के आते थे उसको हटा दिया गया है। ये जो नया डायरेक्टिव है 1 AM से वेडनेसडे December 1, 2021 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा ब्राजील एंड वियतनाम का भी हटा दिया गया है। तो मैंने जो कंट्री का नाम बताया था, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, ब्राजील एंड वियतनाम, इनसे जो है रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, सोचा अपने व्यूअर्स को सबसे पहले ये खुशखबरी पहुंचा दूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि सिंगापुर ने हटा दिया था, तो जरूरी था कि ये कंट्री भी, अब ये सऊदी अरब भी हटा ही देता, मुझे ऐसी पूर्वानुमान हो चुका था और आज ये दिशा निर्देश भी आ गया है। सरकार ने ऐड किया, इसमें इस न्यूज ने ऐड किया है कि जो भी वहां से आएंगे, ऑल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, जो भी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 5 डेज इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। 5 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में, यानी कि होटल में या जिस कभी क्वारंटीन का व्यवस्था किया गया वहां पे आपको 5 दिन रहना पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर इमिग्रेशन स्टेटस आउटसाइड द किंगडम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किंगडम के बाहर उन्होंने कहां पे वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, या इम्यून है या नहीं है। तो आउटसाइड में क्या है उसका, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया के जो रूल था 14 दिन आउटसाइड रहते थे, उसको हटा दिया गया है। 5 दिन के लिए जो है आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप तीसरे कंट्री में 14 दिन रह के आते थे, अब वो उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आगे आएगी मैं उसके लिए पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मुझे कुछ समय दीजिए, क्योंकि अभी ये न्यूज़ ब्रेक हुआ है और पूरी जानकारी अभी आई नहीं है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रूल है, क्या क्या रेगुलेशन है। तो अभी यही इन्फॉर्मेशन है कि 1 तारीख से खुल गया और 5 दिन आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। पूरा डिटेल मैं आपका इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जैसे ही मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।